हिट ना लिया, साउंड वेव, साउंड वेव। अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ढंग से समझेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपका होगा, एक होगा कंप्रेशन और एक होगा रेयर फ्रैक्शन, तो उसकी थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ी सी फीलिंग जनरेट करेंगे, एक एनिमेटेड वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद तभी आपको समझ में आएगा। देखो जैसे हमने वेव डिस्कस किया, वेव डिस्कस किया तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल ऐसे ऐसे चम कर रहा होता था, याद आया? और वेव क्या होती थी, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही होती थी, तो पार्टिकल का और वेव ट्रेवल होती थी, उसका डायरेक्शन क्या होता था, अलग अलग होता था, उसका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। बातें बिल्कुल नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, लेकिन साउंड में क्या होगा, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, वेव स्टार्ट किया था, वो लेके आए थे ना एक, उसमें तो जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराया था तो कैसे जनरेट हुई थी, ऐसे वेव जनरेट हुई थी, और जब इसको इस तरीके से किया था तो ऐसे वेव जनरेट हुई थी। तो साउंड वेव क्या है, साउंड वेव इज अ एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इज अ एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां पर जिस जगह पर पार्टिकल का मोशन है उसी डायरेक्शन में क्या है, वेव का भी मोशन होता है। और यहां पर देखो जैसे मैंने बोला, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल क्या कर रहे थे, एसएचएम कर रहे थे, और वेव आपकी ट्रांसफर होती, तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे, यहां पर भी पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप तक बात पहुंच रही है, किस वजह से पहुंच रही है, साउंड वेव की वजह से, तो यहां का पार्टिकल क्या वहां तक चला गया, नहीं, यहां का पार्टिकल वहां तक नहीं गया, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं तो कुछ वाइब्रेशन तो जनरेट हो रहा है। अरे डीजे बजता है तो आपको वाइब्रेशन फील हो जाता है, निकलता है ना रोड से, तो डीजे बज रहा है, साउंड हो, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे बजा रहे हैं ना, अगर ऐसे में बोल रहा हूं तब तो आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन होता है, छोटा सा भी साउंड है तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। डीजे वीजे बजता है तब तो देखे पूरी बिल्डिंग हिलती है, तो वाइब्रेशन है ना, साउंड में वाइब्रेशन है। तो मैं बोल रहा हूं, आप तक बात पहुंच रही है, तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, और ये यहां से मान लो कुछ स्पीक कर रहा है, तो यहां पर पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल है, ठीक है, और यहां पर कोई मान लीजिए रिसीवर है, ठीक है, ये कान लगाए बढ़िया सा सुन रहा है ना, तो ये मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर है, यहां पर भी, तो ये वाला पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है भाई, जब मैंने बोला, इस पर्सन ने बोला, अभी क्या है, जैसे शांत है तो जो एयर पार्टिकल है वो वाइब्रेशन में नहीं है, जब हम शांत हैं तो एयर पार्टिकल वाइब्रेशन में नहीं है। जैसे ही मैंने साउंड प्रोड्यूस किया, वैसे ही जो नियरेस्ट पार्ट है, नियरेस्ट पार्टिकल, वो क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, तो वाइब्रेट करते करते वहां तक चला गया, नहीं, उसने क्या किया, अलग, भाई इसकी एक मीन पोजीशन है, समझिए, ये जो पार्टिकल है इसको मैं ब्रॉड फॉर्म में करूं तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो ये भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और इस एसएचएम करने के दौरान ये वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफर करेगा, एसएचएम करने के दौरान ये वाइब्रेशन को, भाई इसको भी वाइब्रेट को ट्रांसफर कर देगा, तो ऐसे ऐसे क्या होने लगेगा भाई, पार्टिकल को ये क्या करेगा, वाइब्रेशन को ट्रांसफर करेगा, तो पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, बट डिस्टरबेंस, समझिए, एयर ऐसे बिना, जब नहीं बोल रहे हैं तो एयर में कोई डिस्टरबेंस है, नहीं है, जब बोले तो वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन की वजह से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, और वो डिस्टरबेंस पूरे मीडियम में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा है, कौन सा क्या चीज ट्रेवल कर रहा है, डिस्टरबेंस ऑफ द पार्टिकल, या डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टरबेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। भाई मैं बोला तो आपके कान के पास में जो एयर पार्टिकल है वो भी क्या हुए, वाइब्रेट हुए, और आपके पर्दे में भी वाइब्रेशन हुआ और आपने उसको सुना, ठीक है, तो जहां पर वाइब्रेशन जैसे इस डायरेक्शन में भी, तो साउंड का ट्रेवल भी इस डायरेक्शन में, साउंड का ट्रेवल भी इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, पार्टिकल कर रहा है एसएचएम, और डिस्टरबेंस हमारा मतलब स्पीकर से ऑब्जर्वर में क्या हो रहा है, यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, अगर देखो अगर एसएचएम की हम बात करें, इस वाले वेव की बात करें, तो हम क्या लिखते हैं, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पर वाई क्या है, व्हाट इज वाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एक्स क्या है, पोजीशन है, वेव की पोजीशन है, तो यहां पर भी वेव हो रही है, वेव तो
यहां पर भी है, वेव का कुछ साइकिल होगा, कुछ उसकी पोजीशन होगी। भाई यहां पर और यहां पर क्या अंतर है? भाई वेव तो अभी भी एक्स दिशा में जा रही है, ये किधर जा रही है? मान लो पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो कुछ ओमेगा टी के एक्स का टर्म होगा, ओमेगा टी का टर्म होगा, कुछ उसका टाइम पीरियड वगैरह होगा, ठीक है। भाई एसएचएम का ही तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, और सारी वेव तो ट्रेवल कर रही है ना, तो वेव की सारी प्रॉपर्टी तो क्या होंगी? होंगी। बट यहां पर मैं एक्स बराबर ये नहीं, यहां पर वाई डायरेक्शन में कर रहा था, यहां पर एसएचएम किस में कर रहा है? एक्स में। अब एक्स तो पहले यूज कर चुका हूं, तो एक्स नहीं लिख सकता हूं, तो इसको लिख दूंगा स्मॉल एस। क्या लिखूंगा? स्मॉल एस। भाई एक्स लिख दूंगा तब कहोगे एक्स एक्स का डी आएगा। स्मॉल एस क्या है? ये क्या है? तो इसको लिखूंगा एस बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये व्हाट इज एस? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल। और इस इक्वेशन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्यों एक्स नहीं लिख सकते इसको? क्योंकि एक्स वहां पर यूज है, तो यहां पर तो इसको एस लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में समझिए, तो ये आपको समझ में आया कि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। अच्छा, लेकिन मीडियम में ट्रेवल क्या कर रहा है? मीडियम में डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या ट्रेवल कर रहा है? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस जब ट्रेवल करता है बेटा, तो कुछ कंडीशन ऐसा तो है नहीं। देखो अभी इसको एक एनिमेशन की वजह से मदद से मैं बताऊंगा, अभी बस समझ लीजिए। हाँ देखो, जब मैं नहीं बोल रहा हूं, जब मैं प्रेशर के टर्म में बात करते हैं, देखो हम इसी को बोलते हैं पी वेव और डी वेव, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव। सुना होगा हल्का फुल्का नाम, स्टार्टिंग में बताया भी था, पी वेव पढ़ेंगे और एस वेव पढ़ेंगे। और तो एस वेव क्या है? एस वेव है आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव के बारे में समझ लें। तो देखो, जब मैं बोल नहीं रहा हूं, जब कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो सारे एयर पार्टिकल हैं वो किस प्रेशर पे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं। जीरो पे हैं क्या सारे एयर पार्टिकल? किस पे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला तो ये पार्टिकल इसके पास गया, ये पार्टिकल इसके पास गया, यहां पे चला गया। भाई ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, बोलो यस नो। तो ये कहां पहुंच गया? ये मान लीजिए यहां पर पहुंच गया। तो पहले प्रेशर क्या था? P नॉट। अब इसके पास हो गया तो क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस डेल्टा P, P नॉट प्लस डेल्टा P। तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि प्रेशर केवल बढ़ेगा ही, फिर ये वापस भी तो आएगा, फिर ये क्या करेगा? वापस भी आएगा। जब वापस आएगा तो ये क्या होगा? ये पार्टिकल पीछे आएंगे, ये पार्टिकल पीछे आएंगे। इसने जाके इसको वाइब्रेट किया, फिर ये क्या हुआ? पीछे आया। जब पीछे आया तो उस जगह पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेटा समझो, अभी एनिमेशन की मदद से और समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। हम समझ रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो वो पार्टिकल, यहां का पार्टिकल आगे थोड़ा चला गया, पार्टिकल तो वहीं रहा, डिस्टर्बेंस क्या है? डिस्टर्बेंस आगे चला गया। जब डिस्टर्बेंस आगे चला गया तो वहां पर क्या हो गया? या पार्टिकल एसएचएम में तो उतनी अपने डिस्प्लेसमेंट में तो आगे जा सकता है, इतनी दूरी क्या चला गया? आगे गया। फिर वो पीछे आया, आगे गया और पीछे आया। तो जब आगे गया तो उसने प्रेशर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। किससे इंक्रीज कर दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज कर। और जब पीछे आया तो प्रेशर को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। भाई यहां पर प्रेशर अभी तो था पी नॉट, लेकिन अब यहां चला गया तो प्रेशर क्या? पी नॉट माइनस डेल्टा पी। तो जो प्रेशर यहां पर बढ़ता है उसको कंडीशन को बोलते हैं हम कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। जहां पर प्रेशर बढ़ेगा और जहां पर प्रेशर घटेगा उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। डेंसिटी के टर्म में बात करें तो जहां पर प्रेशर बढ़ेगा वहां पर डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ रही होगी। एयर पार्टिकल क्या है भाई? प्रेशर लग किसकी वजह से रहा है? जब एयर पार्टिकल की वजह से लग रहा है ना, तो जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां पर डेंसिटी भी ज्यादा, जहां पर प्रेशर कम वहां पर डेंसिटी भी कम। और एयर की एक नेचुरल डेंसिटी तो होती ही है, जैसे एयर का एक प्रेशर होता है वैसे एयर की एक डेंसिटी भी होती है। तो कहीं पर डेंसिटी बढ़ेगी, कहीं पर डेंसिटी कम होगी। तो जहां पर डेंसिटी बढ़ेगी उसको बोलूंगा कंप्रेशन,
यहां पे डेंसिटी कम होगी उसको बोलूंगा रेयर फ्रैक्शन। और ये एसएचएम होते 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 क्या होता है, ये ट्रांसफर होता रहता है, ये ट्रांसफर। तो कहीं पर कंप्रेशन, कहीं पर रेयर फ्रैक्शन, कहीं पर कंप्रेशन, कहीं पर रेयर फ्रैक्शन। ये क्या है, अभी एनिमेशन के वीडियो से समझाऊंगा। आपका प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर कहीं पर ज्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। तो प्रेशर एक तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। प्रेशर का जो डिस्टर्बेंस है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं प्रेशर वेव। और डेंसिटी के टर्म में बात करूं तो डेंसिटी का भी क्या होता है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी वेव। और डेंसिटी वेव और प्रेशर वेव ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेव से के डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाई टू फेज डिफरेंस पे होते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव के पाई बाई टू फेज डिफरेंस पे होते हैं। पी वेव, अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पी वेव एंड प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव। पी वेव एंड डी वेव बताओ कितना, प्रेशर और डेंसिटी तो हमेशा क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रहेंगे, पाई बाई टू। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ढंग से समझिए। क्लिक कर पा रहे हैं अभी तक, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझाते हैं थोड़ा आप लोगों को। तो हमको ये समझ में आया बच्चों कि ये क्या, अभी समझ में आ गया कंप्रेशन क्या है, रेयर फ्रैक्शन क्या है, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। तो इस तरीके से कुछ होता है और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बदला जाता है और हमारा क्या होता है, वेव ट्रेवल कर जाती है, वेव ट्रेवल कर जाती है। तो उसको बोलते हैं डिफरेंस होता है ना, कहीं पर प्रेशर बढ़ता है, कहीं पर प्रेशर कम होता है, कहीं पर डेंसिटी बढ़ती है, कहीं पर डेंसिटी कम होती है। तो डेंसिटी का वेरिएशन या प्रेशर का वेरिएशन क्या करता है, थ्रू आउट द मीडियम ट्रेवल करता है। तो उस वेव को बोलते हैं प्रेशर वेव या डेंसिटी वेव। और ये कैसी वेव है, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो उसकी इक्वेशन हमने लिखी है एस बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये कौन सी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट वेव। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये प्रेशर वेव नहीं है, ये डेंसिटी वेव नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये मानिए, तो देखो नोट करना है क्या कुछ, इसमें से कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, दो चार लाइन। निशाद नेहा क्यों नहीं आई बेटा, नहीं उठा रही, हाँ क्या हुआ, क्या कह रही है, अच्छा वाइब्रेशन, ये होता है जब ज्यादा पढ़ लो तो फिर वही सुनाई देता है। मेरे साथ भी होता है, मुझे दो ही चीज दिखाई देती है, एक फिजिक्स दिखाई देगी या तो बिजनेस दिखाई देता है। जिस चीज की आप तलाश में होते हैं ना, आपको हर जगह वही दिखाई देता है। सही बता रहा हूँ, कभी कुछ हुआ था, कुछ मैं खाना खा रहा था, पता नहीं कौन सी घटना हुई, तो मेरे दिमाग से तुरंत निकाल दिया कोई फिजिक्स की वजह से हुआ है। खाना खाते खाते पापा करे तो मेरे दिमाग यही चलता रहता है, हम क्या करें, यही सब चलता रहता है, या तो कुछ बिजनेस विजनेस का चलता रहता है। भाई बिजनेस भी आगे बढ़ाना है, फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ानी है, दोनों चीजें करनी है ना।
डबल स्ट्रेस, लेकिन पहला स्ट्रेस दोगे तभी सेकंड स्ट्रेस होगा, तो कोई फायदा नहीं है। चलिए कोई भी कोचिंग है, बिना फाउंडर अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो चल नहीं पाती है। फाउंडर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, बड़ी से बड़ी कोचिंग है। बाद में जब 10 साल पढ़ा दें, 10 साल बाद पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन 10 साल तो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं उसके बाद मैनेज करते रहेंगे। चलो आगे चलें बच्चों, हो गया समझ में आया। चलो देखो थोड़ा फील करने की चीजें हैं ये सब चीजें, है ना, लेकिन अभी फीलिंग दिलाते हैं आपको। देखो एस बराबर क्या, मैंने देखो एस बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, ध्यान से समझ लो, एकदम कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा। ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से समझिए, ये ए है और ये क्या है माइनस ए, और ए क्या है, ए एम्पलीट्यूड है किसका, डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में आप जा रहा है, इधर जा रहा है तो निगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, एम्पलीट्यूड क्या है पॉजिटिव है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो, अगर ये है तो ये क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो ये पीछे आ रहा है, तो क्या कर रहा है, ये पीछे आ रहा है। अब देखो थोड़ा समझते हैं, अभी और समझाते हैं। ये ए बी सी डी ई और देखो ए पॉइंट है, ये ए वाला पॉइंट है, तो ये पीछे भी तो ऐसा होगा, तो यहां पर कोई पार्टिकल है। देखो इसको मिटा लूं, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मिटा लो फिर इसको नोट करो। ये एस डेल्टा पी और डेल्टा रो, डेल्टा पी और डेल्टा रो, और ये एक्स और ये एक्स, और यहाँ पर पी नॉट बराबर वन एक नियम। देखो प्रेशर वेव और वो जनरेट कैसे हो रही है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बात समझिए, पॉइंट लेते हैं एट ओ, एट ओ इसको ओ मान लो यार, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी ई एफ। देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, बोलो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड नीचे है, मतलब एम्पलीट्यूड निगेटिव है, एम्पलीट्यूड निगेटिव है तो वेव किस डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस किधर हो रहा होगा, पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। तो मान लो कि यहां पर पार्टिकल है, ठीक है, ओ पर पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ये ओ पर इस पार्टिकल को क्या करेगा, इधर ले जाने की कोशिश करेगा। देखो एम्पलीट्यूड यहां पर क्या है, मतलब जस्ट ओ पे हम पहुंचे, जस्ट ओ पर पहुंचे, तो इस जगह पर क्या है, एम्पलीट्यूड हमारा निगेटिव है, अगर एम्पलीट्यूड निगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, निगेटिव, इधर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, तो किधर हो रहा है, आगे। तो देखो यहां पर ये आगे, तो जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो कंडीशन कौन सी है, रियर फ्रैक्शन, जब पार्टिकल पास आते हैं तो कंप्रेशन, और जब दूर जाते हैं तो कंप्रेशन,
रेयर फ्रैक्शन। तो यहां पर प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम, क्योंकि दूर जा रहे हैं ना, जब दूर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, कम। डेंसिटी क्या होगी, कम। तो यहां पर मैं बोलूंगा रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन की कंडीशन है। और यहां पर डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी आपकी मिनिमम होगी और आपका प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी मिनिमम होगा, प्रेशर भी मिनिमम होगा। ठीक है, और समझ लो थोड़ा, और एक बात और समझिए कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में। जैसे बेटा यहां पर बहुत सारे क्या हैं, देखो जब जब कंप्रेशन हो रहा होगा, जब कंप्रेशन हो रहा होगा, सॉरी जब रेयर फ्रैक्शन हो रहा होगा, तो ये क्या हो रहे होंगे, ये खींच रहे होंगे। ठीक है, तो प्रेशर कम होगा, तो पूरे रीजन में क्या होगा, प्रेशर कम होगा। तो लेकिन इकट्ठे कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे कम कहां पर होगा, सबसे कम इसकी मिड पोजीशन में होगा, सबसे कम कहां होगा, इसकी मिड पोजीशन। तो यहां पर अच्छा प्रेशर क्या, मैंने बोला पी नॉट तो हर जगह था, पी नॉट हर जगह था, तो सबसे कम होगा तो क्या होगा, पी नॉट। बेटा देखो समझ लो बात को, मैंने सोचा देखो एक्चुअल में होता क्या है, 1 atm होता कितना है, 10^5 pascal। ठीक है, और डेल्टा पी कितना होता है बेटा, 20 pascal हो गया ना, समझो कहां 10^5 और कहां 20। भाई कितना प्रेशर में चेंज कर देंगे हम बोल के, अपना बोल के क्या बहुत ज्यादा चेंज ले आएंगे प्रेशर में, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी क्या भाई, बोलने से बहुत ज्यादा प्रेशर में चेंज थोड़ा आ जाएगा भाई, छोटा सा 20 pascal का क्या हो गया चेंज आया। तो मान लीजिए कि 20 pascal का चेंज आया, तो बेटा ये नहीं होता कि 20 pascal हर जगह हो गया, चेंज आया तो कम होता है, तो ग्रेजुअली कम होता है। तो सबसे ज्यादा कम कहां पे होगा, रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट। तो समझो यहां पर कम हुआ, मान लो यहां पर, तो हो गया पी 10^5 - 10, यहां पर हुआ 10^5 - 10, फिर आगे बढ़े तो 10^5 - 15, फिर 10^5 - 15, लेकिन मिड वाले पॉइंट पे क्या हुआ, 10^5 - 20, 10^5 - 20। तो सबसे ज्यादा कम कहां पर हुआ, प्रेशर -20, ये क्या हुआ, रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट पे, रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा कम। तो इसको ऐसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, इस तरीके से क्या होता है, प्रेशर हमारा कम होता है। और यही कंप्रेशन की बात करूं, मैं कंप्रेशन की बात करूं बेटा, ये क्या होता है, ये सारे कंप्रेशन का मतलब क्या है, पास पास में आ रहा है, पास पास में। तो ये देखो ये इसके पास आया, ये इसके पास आ रहा है, ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसके पास आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे बढ़ेगा, मिड पॉइंट पर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, एक रेंज है उसमें स्टार्ट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर, क्रेस्ट में प्रेशर ज्यादा है। लेकिन क्रेस्ट के भी, अरे क्रेस्ट कहां से बोल दिया मैंने, क्या ये, क्या है ये, नहीं कंप्रेशन, हाँ देखो दिमाग ऐसे उड़ जाता है, ये क्या है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के, जब कंप्रेस हो रहा है, जब कंप्रेस हो रहा है, तो बेटा ये पार्टिकल कंप्रेस हो रहे हैं ना, सब क्या कर रहे हैं, पास आ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो जब सब पास आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर कहां पे होगा, आपके कंप्रेशन के मिड पॉइंट पर, और सबसे ज्यादा कम कहां पर होगा, रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट पर। क्या ये बात मेरी थोड़ी समझ में आई आप लोगों को, हल्की फुल्की। तो यहां पर इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, यहां से प्रेशर क्या है, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सबसे ज्यादा कितना हो जाएगा आपका, पी नॉट प्लस डेल्टा पी। तो हम कहते हैं कि प्रेशर क्या होता है, कहीं पर, अच्छा कहीं पर पी नॉट रेयर फ्रैक्शन में, रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी, और आपका मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है तो वहां पर तो पी नॉट ही प्रेशर है, और अगर कंप्रेशन है तो क्या होगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी। तो एक तरीके से प्रेशर का डिफरेंस क्या कर रहा होता है, प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, ट्रेवल कर रहा होता है, प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, ट्रेवल कर रहा होता है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रेशर वेव, क्या बोलते हैं, उसी को
प्रेशर वेव, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल इसको समझने के लिए बता रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि एक रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन ऐसे जनरेट होता जाता है। अभी एक एनिमेशन वीडियो से समझाऊंगा और समझ जाएगा। पहले कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, बीच में जो पार्टिकल है तो वो किसमें है भाई? पार्टिकल तो सभी, जैसे मैं बोल नहीं रहा हूं तो सभी पार्टिकल किसमें है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। किसमें है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलना शुरू किया तो यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ तो पार्टिकल ने एसएचएम करना स्टार्ट किया, एसएचएम करना तो जब वो उधर जा रहा है तब कंप्रेस कर रहा है, जब वहां से वापस आ रहा है तब रेयर फ्रैक्शन कर रहा है ना, तो जब गया तब उसने प्रेशर को बढ़ा दिया और जब वापस आया तो प्रेशर को घटा दिया, फिर अगले वाले ने भी यही किया। इसी तरीके से प्रेशर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है कि चेंज इन प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है? चेंज इन प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको बोलते तो प्रेशर वेव है लेकिन ये एक्चुअल में मतलब प्रेशर वेव का क्या है, मतलब डिस्टर्बेंस, प्रेशर नहीं ट्रांसफर हो रहा था। प्रेशर तो क्या है? पी मेंटेन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मेंटेन है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मैंने जितना चेंज लाया वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। मेरे बोलने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या आया? चेंज आया। और वो चेंज क्या हो रहा है? आपका ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर वेव। डेंसिटी के टर्म में बात करें तो डेंसिटी भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? इसको नोट करो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं समझाऊंगा अभी और समझाऊंगा, थोड़ा सा नोट कर लो फिर आगे बढ़े। रजनीश कुछ समझ में आ रहा बेटा? चलिए अब देखते हैं हम लोग, चले बच्चों आगे चलें। अभी इसमें ये मत बनाना, ये दोनों अभी बनवाऊंगा मैं, केवल ये चीजें नोट कर लो बस, ये भी बनवा रहा हूं अभी, बनवा रहा हूं, परेशान मत हो। इसमें अभी ग्राफ बनाया कहां, ये बनाया क्या अभी? नहीं बनाया ना, बनाऊं? चलो देखो, चलिए ओ की बात करते हैं, पॉइंट ओ, एट ओ। ओ पर क्या हो रहा है बेटा? देखो ओ पर मान लो यहां पर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ओ पर एम्पलीट्यूड क्या है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है? पार्टिकल पीछे जा रहा है। और यहां पर बोलो, यहां पर एम्पलीट्यूड इसके जस्ट बगल में क्या है? पॉजिटिव, तो कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। तो ये इधर, ये इधर, तो कौन सी कंडीशन है? रेयर फ्रैक्शन की कंडीशन है, ठीक है। अब देखो ए पर पहुंच गए हम, ए पर पहुंचे तो देखो एट, अगर ये ऐसा होगा तो यहां पर होगा डेल्टा, यहां पर होगा पी माइनस डेल्टा पी या पी नॉट माइनस डेल्टा पी, ठीक है। अब ए पर पहुंचे, ए पर पहुंचे तो देखो, ए पर पहुंचे तो इस साइड में भी एम्पलीट्यूड क्या है भाई? एम्पलीट्यूड तो ऊपर है ना, तो यहां पर भी क्या पॉजिटिव और इधर भी क्या पॉजिटिव, तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल मोड है भाई, आगे वाला भी आगे, दूसरा वाला भी आगे, तो ये क्या है? नॉर्मल। प्रेशर का वेरिएशन नहीं, जब आगे वाला आगे जा, पीछे वाला पीछे आ रहा होता तब क्या होता? कंप्रेशन हो जाता, वो रुका होता ना।
एक जैसे आप दो लोग हो, दोनों लोग दो दो कदम आगे बढ़ गए, तो डिस्टेंस क्या है आप दोनों के बीच? सेम है ना, तो वो भी आगे बढ़ गया, वो भी आगे बढ़ गया, तो ये तो अब प्रेशर क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहेगा, तो पी नॉट ही हो गया। ठीक है, एट पॉइंट बी, बी पर देखो यहां पर क्या है पॉजिटिव और इधर क्या है निगेटिव, तो बी वाले पॉइंट पर क्या होगा? बी वाले पॉइंट पर देखो इधर वाले पॉइंट पर निगेट, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा? आगे जाने की कोशिश करेगा। और इधर क्या है एम्पलीट्यूड? निगेटिव, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा? पीछे आने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। और यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? पी प्लस डेल्टा पी। क्या हो जाएगा? पी प्लस डेल्टा पी। तो देखो ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, ये 1 एटीएम की लाइन है, P नॉट बराबर 1 एटीएम। अब बताओ यहां पर एट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट पर क्या है? रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन है। और ए पर क्या है? नॉर्मल है। मतलब अच्छा कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कम होगा? डेल्टा पी नॉट। तो ये मैं डेल्टा पी नॉट बना रहा हूं, तो ये डेल्टा पी नॉट, ये क्या हो गया? डेल्टा पी नॉट। और डेल्टा पी नॉट से ये एकदम से कम हो, भाई रेयर फ्रैक्शन के मिड पॉइंट पर क्या होगा? सबसे ज्यादा कम। और उसके बाद क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये कहां पे पहुंच गया? नॉर्मल पे पहुंच गया। भाई ए वाले पॉइंट पर क्या है? नॉर्मल प्रेशर है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, मैथमेटिकली भी बता दूंगा, ठीक है? दोनों प्रूफ है, पहले वेव उसके बाद मैथमेटिक्स की मदद से भी बताऊंगा, पहले फील कर लीजिए ना, वरना फीलिंग ही नहीं आएगी। अब चलो ए पे पहुंचे, तो ए पर क्या है? ए पे आपने देखा क्या है? तो देखो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर पे ही है हम। अब बी पर आए, तो बी पर क्या हो गया? कंप्रेशन हो गया, तो कंप्रेशन में प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलो ऊपर चले फिर, ये आपका बढ़ गया, ठीक है। अब सी पर निकालो, सी पर देखो, सी पर दोनों क्या है? निगेटिव, तो इसका मतलब ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल, तो ये आ गया। अब डी पर देखो, डी पर ये क्या है? निगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव, तो क्या बनेगा यहां पर? रेयर फ्रैक्शन नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कंप्रेशन, लेकिन निगेटिव की दिशा में। बेटा देखो कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, डी है ना पॉइंट डी, तो यहां पर क्या बना? डी पे ये क्या है? निगेटिव, तो इधर वाला पार्टिकल किधर गया? इधर गया, ठीक है। और ये वाला क्या होगा? ये वाला क्या होगा? ये वाला आगे जाएगा, तो ये क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन। हाँ ठीक है, सही तो है, रेयर फ्रैक्शन, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव रहेगा। तो रेयर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? डेल्टा पी नॉट। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? अच्छा फिर और आगे चलें, ई पर चले आओ, ई पर आइए, बताइए ई पर क्या होगा? प्रेशर आपका पी नॉट। एफ पे बताओ, एफ पर क्या होगा? भाई ये आगे जा रहा होगा, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो आगे वाला आगे, इधर वाला पीछे, क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। तो ये हो गया ओ ए बी सी डी ई और एफ। देखिए, अरे कुछ समझ में आया हल्का फुल्का? तो इस वेव को मैं पाई बाई टू से आगे बढ़ा दूं, इस वेव को मैं पाई बाई टू से आगे बढ़ा दूं, तो क्या मिल गया? ये मिल गया भाई, ये कितना है? ये अगर मैं बोलूं तो ये क्या होगा? माइनस पाई बाई टू, यही तो होता है, पीछे से आ रही है। इस वेव को मैं आगे बढ़ा दूं, यहां तक देखो, यहां से देखना शुरू करो, तो ये वेव और ये वेव क्या है? एक जैसी है। तो इस वेव को अगर मैं आगे बढ़ा दूं पाई बाई टू से, तो क्या हो जाएगा? सेम वेव मिल जाएगी। अच्छा ये वेव कौन सी वेव है? डिस्प्लेसमेंट वेव। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेव, या डिस्टर्बेंस वेव भी बोलते हैं,
ठीक है, नहीं डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेव। और ये क्या है, ये आपकी प्रेशर वेव भी बोल सकते हैं इसको, और डेंसिटी वेव भी बोल सकते हैं। तो हमने ये देखा, निष्कर्ष हमने ये निकाला कि जो प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव या में डिफरेंस ऑफ फेज कितना होता है, पाई बाई टू। डिफरेंस ऑफ फेज कितना होता है, पाई बाई टू। और प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव में कितना फेज डिफरेंस होता है, जीरो। प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्या किसी को समझ में आया, आ रहा है थोड़ा बहुत? नहीं आ रहा है तो रट भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोशिश करो। देखिए बेटा, समझाया इसलिए जाता है कि आपको थोड़ी सी फील जनरेट हो जाए, लेकिन एकदम से नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर जो मोटी मोटी पॉइंट्स हैं उनको पकड़ लो ना। नहीं समझ में आया तो फाइनल तो पकड़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेव पी वेव और डी वेव में कितना फेज डिफरेंस, पाई बाई टू। पी वेव और डी वेव में कितना, जीरो। ठीक है, तो फाइनल आंसर वही क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। लेकिन तो समझाया जाता है कि भाई पूरी डिटेल में आपको समझ में आए कि क्या है। अब ये हमने वेव से पढ़ लिया है ना, थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा एनालिसिस किया, ये ग्राफिकल एनालिसिस है, वेव के थ्रू एनालिसिस है। इसी चीज को मैं मैथमेटिकली भी कर सकता हूं तो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि जो पढ़ा हमने सही पढ़ा कि गलत पढ़ा ना। चलिए, तो एक रेयर फ्रैक्शन और इसका बोलो तो वो दिखा दूं, एनिमेशन दिखा दूं आप लोगों को, दिखा दूं, घर पे देख लेंगे, दिखा दूं, थोड़ा बहुत ढूंढा भी करो। दिखा रहा, नोट करो नोट करो, काजल मैम आइएगा। अच्छा, ये थोड़ी गंदी सी बनी है, लेकिन है ये साइन वेव ही, विश्वास करिए मेरा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बुला लेता हूँ मैं आपको। क्या हुआ, पढ़ना नहीं समझ में आ रहा बेटा, पूछो, नोट करने में दिक्कत हो रही है? देखो चीजें बहुत डिटेल में बताई गई हैं, फाइनली अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो कि जो डिस्प्लेसमेंट वेव है वो पी वेव और डी वेव है, उसमें कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई टू का, और पी वेव और डी वेव में कितना डिफरेंस है, जीरो है। और आखिर साउंड वेव है कौन सी वेव, ये क्वेश्चन है नीट के, साउंड वेव कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, ये क्वेश्चन आएगा, मतलब सिंपल 30-40% सिंपल ही होते हैं सवाल, नीट के सवाल टफ नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तब कहोगे सर पढ़े नहीं, याद नहीं ना, क्यों हो रहा है, वेरिएशन क्यों हो रहा है, ट्रांसवर्स वेव अलग होती है, डिस्प्लेसमेंट वेव लॉन्गिट्यूडनल अलग होती है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसकी वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर डॉपलर इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो बस डिटेल में पढ़ाया गया कि आपको थोड़ा सा फील जनरेट हो। चलो आगे चलें, पढ़ना स्टार्ट किया तुम लोगों ने, वेक्टर पढ़ा, धनदी गौड़ और सौम्या तुम दोनों से बोल रहा हूँ, पढ़ी कि नहीं, नहीं पढ़ी होगी तो समझ में नहीं आएगा, फिर मेरी गलती नहीं है, आज तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, कोशिश करो। सोल्यूशन भेज दिया है मैंने टेस्ट का, एक बार अपने आप लगाओ देखो, फिर मुझे बताना कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो, इंडिविजिबल काउंसलिंग का समय आ चुका है, आप लोग की इंडिविजिबल काउंसलिंग होने वाली है बहुत जल्दी जल्दी। अब आज किसका नंबर है, किसी को बुलाता हूँ आज, बुलाऊंगा बुलाऊंगा, क्या ये फिर से समझा दूं? अरे एक ही बार समझाने बहुत कठिन है, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, समझा दूं? नहीं समझ में आ रहा क्या बच्चों, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? देखो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है ना, बात समझ लीजिए, सुनिए, डिस्प्लेसमेंट वेव मैंने बनाई, तो डिस्प्लेसमेंट वेव किसकी बनाई, साउंड वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट बनाई, तो साउंड वेव का पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी वो पीछे जा रहा है, जब आगे जा रहा है तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, जब पीछे आ रहा है तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड, इक्वेशन, ठीक है। तो एस बराबर क्या है, एस बराबर ए साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो उसको मैंने प्लॉट कर लिया। जैसे वाई बराबर ए साइन होता था, वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, वाई होता था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेव के वेरिएशन से भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, एस एच एम ही तो हो रहा है, तो एस एच एम प्रेशर को डिफरेंस कैसे, प्रेशर में डिफरेंस कैसे ला रहा है, उस चीज की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। भाई एस एच एम होने से पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल एयर पार्टिकल है, और यहां पर भी क्या है एयर पार्टिकल, और पूरे पूरे एयर पार्टिकल है, नॉर्मली इनको छोड़ा हुआ है किस प्रेशर पे है, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है। अब एस एच एम होने की वजह से भाई प्रेशर वेरिएशन हो क्यों रहा है, एस एच एम ऑफ द पार्टिकल की वजह से तो हो रहा है। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपनी मेन पोजीशन पे एस एच एम कर रहे हैं, तो कभी पार्टिकल पास जा रहा है, कभी पार्टिकल दूर आ रहा है, यही तो घटना हो रही है, कुल मिलाकर यही घटना हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेव मैंने प्लॉट कर ली, उसके बाद मैं प्रेशर का वेरिएशन देखना चाह रहा हूं, प्रेशर का वेरिएशन देखना चाह रहा हूं, तो मैंने देखा कि ओ पॉइंट पर भाई वेव यहां पर गई तो कहीं ऐसे आई होगी, पीछे भी तो होगी, जैसे मैंने बताया था ना कि टाइम जीरो डिफाइंड नहीं है, क्लास स्टार्ट हुई 11:30 बजे से, आप आए 12 बजे, तो आपके लिए टाइम क्या है, जीरो ना, आपका टाइम स्टार्ट हुआ वहां से, लेकिन स्टूडेंट टाइम तो आधे घंटे पहले से क्लास चल रही थी ना, तो वेव तो पहले से चल रही थी ना, हमने मीजर किया ओरिजिन से, तो माना कि पीछे से ऐसे आई होगी, ठीक है। अब यहां पर ये जो पार्टिकल है इसको एक मीडियम बनाओ बेटा और बोलो ओ, ओ पर पार्टिकल है, ये इधर के पार्टिकल और ये आगे के पार्टिकल, तो ओ पर क्या हो रहा होगा, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट वेव का, नेगेटिव, तो पार्टिकल किधर जा रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पार्टिकल को हमने नेगेटिव डायरेक्शन बना लिया, यस और नो, सही है। अब यहां पर क्या है एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, तो पार्टिकल किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तो ये कौन सी कंडीशन है भाई, खिंच गए दोनों, दूर जा रहे हैं, तो यहां पर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन था ना, अब मैंने पार्टिकल को खींच लिया, दूर दूर कर लिया, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, इकट्ठे कम हो जाएगा नहीं, यहां पर भी जो इसका मिड पॉइंट होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा। देखो बेटा इकट्ठे कम हो जाता तो मैं ऐसे नहीं बनाता, तब मैं ऐसे बनाता, तब मैं ऐसे ग्राफ बनाता, ये इस टाइप, ये हुआ कम हुआ, ये डेल्टा पी नॉट और ये डेल्टा पी इक्वेशन, ये वन कम हुआ और कम मेंटेन रहा और यहां पर गया, ये वेरिएशन क्यों बना रहे हैं, ये वेरिएशन क्यों बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम कहां पर है, इसके मिड पॉइंट पर, और उसके बाद क्या है, कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है, इसीलिए ऐसा वेरिएशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्राफ कैसा बनता, इस टाइप का बनता, कुछ क्लियर आ रहा है। अब हम चले आगे बढ़े, कहां पहुंचे, ए के पास पहुंचे, जब ए के पास पहुंचे तो हमने देखा भाई चाहे इधर का पार्टिकल ले लो चाहे इधर ले लो, दोनों क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, तो दोनों किधर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो दो आदमी हैं, दोनों दो दो कदम आगे बढ़ गए, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या रही, सेम, तो पार्टिकल तो दोनों आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो यहां पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन, तो ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ये किस पे बनाई है, ये पी नॉट पे बनाई है, पी नॉट बराबर 180 एम, भाई डेल्टा पी को ही तो प्लॉट कर रहा हूं, किसको प्लॉट कर रहा हूं, डेल्टा पी, डेल्टा पी वर्सेस एक्स को तो प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये वाला लाइन किस पे है, 180 एम, तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर हमारा जीरो, मतलब जीरो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस पे आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आगे बढ़े बी पर पहुंचे, तो बी पर जो इधर का पार्टिकल क्या है, उसका पॉजिटिव तो किधर बढ़ा, आगे बढ़ा, इधर नीचे, तो एक तो आगे बढ़ा दूसरा पीछे आ रहा, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो, तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो ये आपका बढ़ गया, समझ में आया, बाकी अपने आप समझ लोगे। तो आपका क्या हो रहा है, एसएचएम होने की वजह से, एसएचएम होने की वजह से प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है, और प्रेशर का डिफरेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेशर वेव, और जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां पर डेंसिटी ज्यादा, उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां पर डेंसिटी ज्यादा, तो हम बोले कि प्रेशर ट्रेवल कर रहा है या डेंसिटी ट्रेवल कर रही है, बात क्या है हमारी, एक ही है बात, हमारी एक है, क्या समझ में आई बात आपको, ठीक है। चलिए एक वीडियो देखते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं, मैम आ जाइए,
सुन लीजिए ध्यान से, इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ ना। एक बार देख लीजिए मैम, आप बैठ के बना लो, इस पे बैठ जाओ, बच्चों को दिखाई नहीं देगा, हो सकता है दिख जा रहा है बच्चों। बस बस ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए फिर समझाते हैं। अरे जरूर पड़ेगी इसकी भी बाद में। चलो देखो ये जो पोजीशन है ना, जैसे पहले एक पार्टिकल, अब देखो ये वाली पोजीशन रेयर फ्रैक्शन की पोजीशन है, पार्टिकल क्या हो गए दूर दूर हो गए, और जब पास आ गए तो क्या हो गया, ये कंप्रेशन, और ये देख रहे हो वाइब्रेशन क्या हो रहा है आपका, लगातार ट्रांसफर हो रहा है। किसकी वजह से ट्रांसफर हो रहा है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अच्छा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो किसकी वजह से रहा है, एसएचएम ऑफ पार्टिकल, एसएचएम ऑफ पार्टिकल, क्या पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वेव का ट्रांसफर हो रहा है। सिंपल बात यह है कि एसएचएम ऑफ पार्टिकल के कारण आपका, एसएचएम ऑफ पार्टिकल कारण आपका क्या हो रहा है, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट हो रहा है, और कंप्रेशन जहां पर होगा वहां पर डेंसिटी ज्यादा, वहां पर प्रेशर ज्यादा, रेयरफेक्शन में जहां पर, रेयरफेक्शन में क्या होगा, वहां पर प्रेशर कम और डेंसिटी भी है क्या आपकी कम। तो आपने देखेंगे कि प्रेशर का डिफरेंस या डेंसिटी का डिफरेंस भी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, लेकिन किस कारण से कर रहा है, आपका एसएचएम ऑफ द पार्टिकल, किसमें एसएचएम ऑफ द पार्टिकल, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एसएचएम उसी डायरेक्शन में वेव। ठीक है अब इसको एक बार देख लो, बस समझ में आ जाएगा। जो माध्यम में ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से केवल ऑसिलेट कर रहे हैं, माध्यम में वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द्वारा किए गए डिस्टरबेंस को साउंड वेव कहते हैं। ये डिस्टरबेंस कैसे दिखती है, चलिए इसे एक ट्यूबिंग फोक की मदद से पढ़ते हैं। यहाँ हम हवा को हमारे प्रोपोगेशन का माध्यम लेंगे, यहाँ हमारे पास स्टील से बना हुआ एक ट्यूबिंग फोक है, ये माध्यम के हवा के पार्टिकल्स की कंडीशन को देखता है, जो ट्यूबिंग फोक ओरिजिनल पोजीशन में होता है। ये तब होता है जब ट्यूबिंग फोक वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। जब हम इसके प्रॉन्स को एक रबर बैंड पर मारते हैं तो हमें साउंड सुनाई देने लगती है। माध्यम से साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ट्यूबिंग फोक के दोनों प्रॉन्स वाइब्रेट हो रहे हैं। चलिए एक प्रॉन के मोशन पर देखते हैं, हम पहले राइट साइड वाले को कंसिडर करते हैं। जब ये अपनी वीक पोजिशन से दूर होता है तो ये अपने आसपास के हवा के पार्टिकल्स को पुश और कंप्रेस करता है, इससे एक ज्यादा प्रेशर वाला रीजन बन जाता है जिसे कंप्रेशन कहते हैं। ये कंप्रेशन माध्यम में डिस्टर्बेंस के रूप में ट्रैवल करता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। जब प्रॉन वीक पोजीशन की ओर आता है तो राइट पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जैसे जैसे प्रॉन अपना मोशन लेफ्ट की ओर कंटिन्यू करता है ये और कम हो जाता है, ये एक कम प्रेशर वाला रीजन बनाता है जिसे एयर फ्रैक्शन कहते हैं। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि डिस्टर्बेंस के फॉर्म में कंप्रेशन किस रीजन तक पहुंच गया है। ये देख लो, जैसे ये आया ना, ये फिर रिलीज हो गया, तो ये वाले पार्टिकल क्या है यहां पर आ गए, तो ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, ये आपका कंप्रेशन हो गया, तो आपका यहां से जो ये था मतलब आपका कंप्रेशन था वो क्या कर गया, आगे ट्रांसफर, आगे ट्रांसफर, समझ में आ रहा है, देख लो डिटेल देख लो। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की एक सीरीज दिखती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस की इस कंटीन्यूअस सीक्वेंस को हम साउंड वेव कहते हैं। जी हां, साउंड वेव्स कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के रूप में ट्रैवल करती है।
इनपुट की बजाय हम साउंड का कोई दूसरा सोर्स ले लो, जैसे कि ये स्पीकर। इस ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होने वाली साउंड वेव भी कंप्रेशन और वेव फैक्शन से रूपित होती है। यह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है? क्या आप जानते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ये तो पढ़ाई था तुम लोगों, मैकेनिकल वेव है, स्टार्टिंग पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है? बस समझ में आ गया बच्चों, ठीक है? कोई कंफ्यूजन, विजुलाइजेशन हुआ आप लोगों को? चलिए सर से बोले थे एक चीज मेल करने के लिए, कर दिया क्या?